हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज ही थर्सडे सुबह के बज रहे 8:30। तो बस मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट कबीर को स्कूल भेजने के बाद चली गई थी ऊपर सारा डस्टिंग मॉपिंग करने के लिए। सो वापस आने के बाद जैस उठ गए तो फिर चाय बनाया वो, और ये कर रही हूँ मैं यहाँ पर धूप लगाने के लिए धनिया रख रही हूँ। मुझे आज आटा मेकर में लगाना है। अच्छी से धूप लग जाए ना तो फिर उसे मैं लगा दूंगी आटा मेकर में। और आज मुझे सारे जो भी गेहूँ फिर बाजरी वो सब पीसना है, सो उसे भी धूप लगा दूंगी। और जैस भी साथ में हो गए हैं रेडी, तो उसे भी मैं बना कर दे दिया है बनाना मिल्क शेक। और सुबह के 9:45 हो रहे अभी, और मैंने अभी फ़िलहाल 10 पिया था, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल अभी नहीं पीऊँगी, मैं थोड़ी देर के बाद पीऊँगी, क्योंकि दूध के साथ ही नींबू का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो जैस को मैंने बस आज, और हमेशा अभी फ़िलहाल वो कभी कभी ऐसा होता है कि दही पराठे चल जाते हैं, बट उसे ज़्यादा पसंद है अभी फ़िलहाल बनाना मिल्क शेक। और वैसे भी बनाना थोड़ा सा हेवी ही रहता है, तो 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगा, तो वो उसे चल जाएगा, उसका फेवरेट हो गया है फिलहाल। और साथ में मैं डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स, खजूर वैसे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जेस को कवर कि मैं इसे वॉश करूँ या ना करूँ, बट जेस मुझे बोल रही नहीं अभी नहीं करना है, दिवाली के टाइम पर कर। और वैसे भी इतने मेले नहीं होते हैं, कोई नहीं बैठता ज़्यादातर, तो अगर घर में रहते हैं तो रूम में ही ज़्यादातर रहते हैं, और सोफे पर ज़्यादा कभी कभी मैं बैठती हूँ या फिर कभी टीवी देखता है, वरना अभी तो फ़िलहाल ऊपर का टीवी का रिमोट भी ठीक हो गया है तो वो ऊपर देखेगा। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर आंगन में, जब भी ऑफिस जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पर वो जब तक ना निकले ना तब तक यहाँ पर रहती हूँ, फिर वो जाते हैं ऑफिस तो फिर मैं अपना काम चलाती हूँ, मतलब कि अपने काम पर लग जाती हूँ। और फिलहाल यहाँ पर जो पानी का नल लगा है ना, तब से यहाँ पर थोड़ा सा ये बर्तन वगैरह हो जाते हैं सारे बड़े बड़े टब, वो क्योंकि 4-5 दिन में पानी आता है तो मैं भर के रख देती हूँ एक एक दिन में मैं सारे पौधों को पानी डालने के लिए, इसलिए सारे बर्तन यहाँ पर लगा रखे हैं। शायद आज पानी आएगा तो मैं वॉश कर दूँगी पूरा आंगन, और पौधों को भी पानी देना है। और मैं यहाँ पर देखो ब्रेड लेकर आई हूँ, एक छोटा सा डोगी है जो बहुत बीमार है, उसका स्किन पूरा एकदम मतलब कि ख़राब हो गया है, सो उसे मैं ब्रेड देती हूँ ना वो खा लेता है। सो थोड़ा बेचारा छोटा है लेकिन उसके स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, पूरा इसकी हेयर सब निकल गए है, सो उसे देती हूँ तो वो खाता है, अच्छा लगता है मुझे भी। और देख लीजिए साथ में मैंने लगा दिया है आटा मेकर, और मुझे पता था कि इसमें धनिया फिर हल्दी वो सब पीसते हैं, मतलब उसकी झाली अलग आती है जिससे कि जो आटा छानने का होता है ना वो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन सा था, तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा डालकर, मैंने सोचा थोड़ा सा डालकर देखती हूँ अच्छे से होगा ना, वरना मिक्सी में मुझे 4-5 बार झार लगा कर मुझे फिर वो करना पड़ता, सो इसमें फटाफट हो गया। और जब भी आटा लगाना रहता है ना मुझे आटा मतलब कि आटा मेकर, उस टाइम पर मैं सारे डिब्बे वगैरह धो देती हूँ ताकि वो नया फिर से आटा लग जाए। और साथ में आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेहूँ पीस कर रख दूँगी, एक एक्स्ट्रा डब्बा, मतलब कि नेक्स्ट वीक में है जन्माष्टमी फिर सातम, तो हम लोग तो सातम आठम हम लोग मनाते हैं ना गुजराती लोगों, तो उस टाइम पर ज़्यादा खाना बनाना रहेगा जैसे कि थेपला मीठी पूरी, तो इसलिए मैंने एक डिब्बा ज़्यादा एक्स्ट्रा पीस के रख दिया है। हेलो एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं 12, तो मैं आज फिलहाल बना रही हूँ पहला साबूदाने की खिचड़ी, जिसको मैंने पूरी रात भिगो कर देख लीजिए एकदम दाना दाना एकदम दाने दाना अलग हो गया है। और इसमें रखा है मैंने आलू बॉईल करने के लिए, साथ में मैंने आटा मेकर भी लगा रखा है, मुझे जो धनिया था ना सूखे धनिया उनको मुझे पीसना था, तो देख लीजिए ये हो गया धनिया पाउडर,
तो अभी इसको मुझे एक बार छान कर फिर बर्नी में भरना है, सो वो काम करूँगी मैं इवनिंग को। और फिलहाल अभी बना रही हूँ मेरे लिए मस्त वाला साबूदाना खिचड़ी। और इसमें एक मिस्टेक हो गया है, सिंग दाना नहीं है, वरना वो उससे बहुत अच्छा बनता है, बट नहीं है कोई बात नहीं, जितना है मुझसे उतना मैं बनाती हूँ। और जब भी मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा सब्जी बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पर मैं जल्दी जल्दी बनने वाला सब्जी एक बना देती हूँ। जैसे कि मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाई ना, तो उसका रेसिपी अच्छे से शेयर करने के चक्कर में ये सब्जी मैं झटपट बना रही हूँ। और जिसे जब भी मैं ये सब्जी, कोई भी सब्जी जैसे कि मैं जैसे तैसे बनाऊँगा ना, वो इतना टेस्टी बनेगा ना, विदाउट वाटर, विदाउट कोई मसाला, सिर्फ और सिर्फ जो भी मैं डालती हूँ घर के सूखे मसाले, बस उसी से सारे, उसी से टेस्टी बनेगा सब्जी। हाँ, जैसे भी मुझे बोलता है कि वो अच्छी बनी है, और जैसे मैं कभी अच्छे से इतने चाव से अच्छे से बनाओगी ना, उस टाइम पर कुछ ना कुछ कमी हो ही जाएगा। सो गाइज, ये बन गया साबूदाने का खिचड़ी, और इसमें इसलिए निकाल रखा है मैंने, था वीडियो बनाना था, शॉर्ट वीडियो। और अभी पूरा ये खाली करके दूसरे बर्तन में रख देती हूँ। लाइफ में पहली बार इतना अच्छा खिचड़ी बनाया है मैंने, वरना स्टिकी नहीं बनता, जब भी बनाती थी एकदम स्टिकी स्टिकी। लेकिन मैंने क्या किया था, कल रात को अच्छे से इसको वॉश करके फिर पानी डालकर, थोड़ा सा ही पानी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बढ़िया। और आज आटा बहुत ज्यादा चिपचिपा हो गया है, गर्म है इस वजह से, तो अच्छे से आटा गूंथ भी नहीं, वो भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो गया है, गर्म है इस वजह से। सब्जी बना लिया है, साबूदाने की खिचड़ी बना ली, अभी बस फिर रोटला बनाना है मुझे। और जिसको मैंने बोला था कि पात्रा लेकर आए, वो लेकर आए हैं खमन ढोकला। मुझे पात्रा खाने का मन कर रहा था आज, और वैसे भी मेरे जो अरबी के पत्तों से बनता है ना, शायद अरबी के पत्ते ही बोलते हैं ना हम तो पात्रा बोलते हैं, तो उसके पत्तों का मुझे इतना, जो जिससे हम लोग हलवाई की दुकान से, जैसे फरसान की दुकान से मिलता है ना, उस तरीके का पात्रा मुझे नहीं बनाना आता, तो फिर मैंने सोचा कि जैसे बोलूँगी वो लेकर आए। और जयस लेकर आए हैं खमन ढोकला, तो उसको भी मैंने तड़का लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा सा लाल मिर्च इसमें स्प्रिंकल किया है। और आज कबीर के फ्रेंड का बर्थडे है, सो कबीर के लिए गिफ्ट भी लेकर, सॉरी हेत के लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं, और कबीर जा रहा है अभी बर्थडे पार्टी में। और फिर हम लोग आ गए, मेरे जो ड्रेसेस लिए थे मैंने उसकी स्टिचेस करवाना था, सो भरत भाई की दुकान पर। और फिर हम लोग जा रहे हैं पापा के घर आइसक्रीम लेकर। तो सुबह पहले सारे दूध वगैरह है उनको मैं गर्म कर रही हूँ। आज 9:30 बजे मैं उठी हूँ। आज कबीर भी स्कूल नहीं गया है, उसे रात भर खांसी था, इस वजह से उसे भी नहीं भेजा था, तो फिर मैं भी सो रही थी, रात भर सोई नहीं, नींद भी नहीं आई थी, तो 8:30-9 बज गए। तो उठने के बाद थोड़ा सा घर का काम किया, वैसे पूरा किचन मेरा मैसी है, अभी मुझे किचन सेट करना है, बट पहले मैंने सोचा दूध सा तीनों गर्म कर लेती हूँ, और ये है मलाई जिसको ढक के रख के फिर रात को मैं बनाऊँगी घी। और आज मैंने यहाँ का जो लिविंग रूम में बेडरूम की, सॉरी ये डाइनिंग टेबल की चेयर है, उसे भी बाहर सुखाने के लिए रख दिया है। यहाँ बाजू में काम चल रहा है ना, उसकी वजह से आवाज़ इतना आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा धूप लग जाए, और ये खुल गया मेरा दरवाज़ा। फिर
इवनिंग को इसे साफ करके मैं ले लूँगी अंदर। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, चलो अभी करती हूँ मैं लंच की तैयारी फटाफट। और आज सुबह 6 बजे उठी ना, उसी टाइम पर मशीन लगा दिया था। मुझे आज लिविंग रूम का कारपेट धोना था, फिर मैंने चेयर कवर निकाल रखा था उसे भी वॉश करना था। सो सुबह सुबह लगा दिया था, तो जल्दी मॉर्निंग में ही सुखाने ऊपर आ गई थी। कोविड जाने के बाद ऊपर सारा आज डस्टिंग मॉपिंग भी करना था, सो वो भी मैंने किया। और कल रात को हम लोग गए थे पापा के घर पर आइसक्रीम लेकर, क्योंकि कबीर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था, तो वो फिर वहाँ पर अकेला हम लोग उसे छोड़कर फिर हम लोग गए थे। हमें भी कहीं तो 1-2 घंटे तक टाइम स्पेंड करना था, तो पापा के घर पर चले गए, फिर वहाँ बैठकर आइसक्रीम खा, फिर लेट हम लोग वापस आकर रात का खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो दूसरे मॉर्निंग मैंने फिर से अपना वेक्टर रूटीन स्टार्ट किया। और आज ऊपर आई थी तो अच्छे से सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल रखे थे, धूप अच्छे से आ जाए फिर पूरा दिन बंद रहेगा। फिर दूसरे तीसरे दिन में जब वापस आऊँगी यहाँ पर डस्टिंग मोपिंग करने, उस टाइम पर सब खोलूँगी। फ़िलहाल अभी नहीं खोलती हूँ, इतना ज़्यादा डस्टिंग आता है ना, धूल आता है ना, तो फिर करना पड़ता है बार बार मुझे। और आज मैंने बोला था कि पानी आएगा, लेकिन उस टाइम पर नहीं आया था, दूसरे तीसरे दिन आया है पानी। तो मैं लग गई हूँ झाड़ू लेकर धुलाई करने में, जैसे मुझे बोलते पानी आता ना, आज तो गया, वो जल्दी से निकल जाते हैं कि पानी आया मैं चला जाता हूँ, उसे पसंद नहीं है। मैं ये सब काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे डांटते हैं, तू गिर जाएगी, तू ऐसा करेगी, तो उससे अच्छा है कि मैं चला जाऊँ, उसके बाद तुझे जो भी ये काम करना है वो कर। क्योंकि मेरा ज़्यादा पानी फिर गिरता है ना, तो फिर मैं ही स्लिप होकर मैं ही गिरती हूँ, और फिर वो मुझे डांटते हैं कि तुझे मैं बोलता हूँ ना बार बार के, तो ध्यान रख के काम कर। और पापा भी थे ना उस टाइम पर, भी पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे, मतलब कि पानी का काम भी कुछ करती थी, फिर जो ये वाला टाइल्स है उसमें गिरता था ना पानी, तो भी फिर स्लिप हो जाती थी। तो फिर मैंने सारा काम करने के बाद फिर जाऊँगी शावर लेने। शावर लेने के बाद मैं थोड़े से कपड़े है उसे वापस मशीन लगा दूँगी, इवनिंग तक वो भी सूख जाएंगे, फिर करूँगी कुकिंग। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप नए हो, अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेरी इंडियन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक गुजराती हाउस वाइफ हूँ जो आप लोगों के साथ मेरा एक ही जो मॉर्निंग इवनिंग और घर का जो भी मेरी लाइफस्टाइल है उसका रूटीन शेयर करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं करती ना तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है कि कोई लाइक नहीं करता मेरी वीडियो को, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी मुझे जाकर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं कुकिंग रिलेटिव्स वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अब मिलूंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।